दांतों की समुचित सफाई न होने से तथा अधिक गर्म या ठंडे पदार्थ लेने से दांतों व मसूड़ों के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और इस कारण से मनुष्य दिन रात परेशान रहता है, जिसके कारण उसका अपने काम पर भी ध्यान नहीं लग पाता। दांत का दर्द जब होता है तो हमारा खाना पीना सब हराम हो जाता है, इसलिए इंसान चाहता है कि जल्द से जल्द उसे दांतों की परेशानी से छुटकारा मिल जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें दांतों की समस्या से जल्दी छुटकारा मिल जाए। प्यारे दोस्तों, हम घरेलू नुस्खों को आजमा कर भी अपने दांतों की समस्या से निजात पा सकते हैं। दांतों में ठंडा गर्म लगना, कीड़ा लगना, दांतों का हिलना, दांतों में काली पपड़ी जमना या सफेद रंग की पपड़ी जमना, मसूड़ों से खून आना आदि रोगों में आप इन घरेलू नुस्खों को आजमा कर फायदा प्राप्त कर सकते हैं। सेंधा नमक को अत्यंत बारीक पीस ले। आधा चम्मच सेंधा नमक के इस चून को 4 गुना सरसों के तेल में मिलाकर हल्के हाथ से सुबह के समय मसूड़ों व दांतों की मालिश करें। बाद में गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। सुबह नियमित रूप से नीम की दातुन करने से बहुत ही फायदा प्राप्त होता है। आधे चम्मच बारीक हल्दी के चूर्ण में 4 गुना सरसों का तेल मिलाएं और सुबह मसूड़ों की मालिश करें। बाद में गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। आग की टहनियों को सुखा लें और सूखने पर जलाकर बारीक पीस लें। सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर मलें। थोड़ी देर दांतों में से पानी को निकलने दें, फिर गर्म पानी से कुल्ले कर लें। रीठे के छिलके को लोहे की कढ़ाई में जला लें, फिर इसमें भुनी हुई फिटकरी बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक पीस कर रखें। इसे आप मंजन की तरह प्रयोग में लाएं सुबह शाम, ऐसे आपको काफी फायदा नजर आएगा। सेंधा नमक, पीपली और जीरा संभाग लेकर पीस लें और इस मंजन का प्रयोग आप दांतों के रोगों से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। जामुन की छाल को सुखाकर कूट लें और मंजन की तरह प्रयोग करें। बरगद की जटाओं की दातुन करें। नीम की पत्तियां पानी में उबालकर कुल्ले कर लें। कच्चे प्याज को पत्तियों समेत कूटकर या पीस करके उसका रस निकालें और उस रस से आप कुल्ला करेंगे तो आपको दांतों के दर्द में और जो दांतों में खून वगैरह आता है, पैरिये की जो समस्या होती है, उससे आपको निजात मिल जाएगा। दांत के दर्द में प्रयोग में लाने वाली जो नुस्खे हैं वो मैं अब आपको बता रही हूँ। फिटकरी और लौंग बराबर मात्रा में पीसकर दांतों पर मले, दर्द तुरंत दूर हो जाएगा। आधा चम्मच हल्दी, 4 चम्मच अजवाइन व 4 अमरूद के पत्तों को आधा लीटर पानी में उबाल ले। आधा चम्मच हल्दी, 4 चम्मच अजवाइन व 4 अमरूद के पत्तों को आधा लीटर पानी में उबालें और उतार लें। गुनगुना रह जाने पर इसके कुल्ले करें, दर्द से तुरंत आराम मिल जाएगा। हींग को गर्म करके दर्द वाले दांत पर दबा कर रखें, दर्द गायब हो जाएगा। अदरक के टुकड़े पर नमक लगाकर दांत के नीचे दबाएं, इससे भी आपको दर्द में राहत प्राप्त होगी। हल्दी को जलाकर बारीक पीस लें और मंजन की तरह प्रयोग करें। 1-1 चम्मच अनार और बेर की छाल के चून में 2 लौंग डालकर पानी में उबालें, छान करके इसके गरारे व कुल्ले करें, इससे भी आपको दर्द में राहत प्राप्त होगी। आम के पत्तों को सुखाकर व जलाकर चून बना लें। इस चून में थोड़ा सा नमक व सरसों का तेल मिलाकर मंजन करें। पुदीने के पत्ते सुखाकर मंजन की तरह प्रयोग करें, साथ में थोड़ा सा नमक मिला लें तो इससे काफी फायदा नजर आएगा। बादाम के छिलके जलाकर रख लें और पीस कर मंजन की तरह प्रयोग में लाएंगे तो आपके दांत स्वस्थ हो जाएंगे। अदरक को कूट कर उसका रस निकालें और इसके 1 चम्मच रस में 1 चुटकी नमक मिलाकर मसूड़ों की मालिश करने से मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। आंवले के चूर्ण में कपूर मिलाकर मंजन की तरह प्रयोग करें। 2 सूखे अंजीर रात को इतने पानी में भिगोएं कि अंजीर पानी को सोख ले। सुबह उठकर इन अंजीर को आप चबा चबा कर खाएं, इसे भी आपको दांतों के लिए फायदा महसूस होगा। संतरे के छिलके सुखाकर अच्छी तरह से कूट पीस कर छान लें और मंजन करें। पालक के कच्चे पत्ते दिन में 2-3 बार चबाएं। पालक व गाजर का जूस भी पिए, ये दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। रोगी को सप्ताह भर केवल अंगूर खिलाएं, मसूड़ों व दांतों के सभी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। संतरे का रस रोगी को दिन में कई बार पिलाएं या संतरा खाने को दें। ऐसा करने से दांतों में काफी फायदा नजर आएगा जब उनको तकलीफ हो रही हो।
अनार का छिलका सुखाकर समान मात्रा में काली मिर्च व नमक के साथ पीस लें और मंजन की तरह प्रयोग में लाएं। प्यारे दोस्तों, बताए हुए विधि को यूज करते रहें, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। और फिर भी मन में कोई संकोच हो तो आप एक बार डॉक्टर की परामर्श अवश्य ले लें। हमारे इन लेटेस्ट जानकारी से आपको संतुष्टि प्राप्त हुई हो तो हमें जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।